की बड़ी खबर हम आपको बता दें, BHU के 1000 छात्र छात्राओं पर केस दर्ज कर लिया गया है। इन पर यूनिवर्सिटी में हिंसा फैलाने और शांति भंग करने का आरोप है। यूनिवर्सिटी प्रशासन के इसी रवैये से लड़कियां हॉस्टल छोड़कर जा रही हैं। हालांकि VC का कहना है कि किसी को हॉस्टल छोड़ने के लिए नहीं कहा गया है। हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी BHU में खुद मौजूद है। उन्होंने जानने की कोशिश की कि आखिर यूनिवर्सिटी में इस बवाल का जिम्मेदार कौन है। बहुत सारे छात्राओं को ये कह दिया गया है कि वो हॉस्टल छोड़ दें, क्योंकि प्रशासन को लगता है कि इनकी वजह से गड़बड़ियां हो सकती हैं। आप लोगों को कह दिया गया है कि जाओ आप धरना प्रदर्शन। उनका कहना था कि हमारे पास तो किसी ने शिकायत ही नहीं दी। लिखित शिकायत नहीं दी गई होगी, इसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन धरना तो हुआ ना। इतना बड़ा आपके अंदर यूनिवर्सिटी के हो रहा है, एटलीस्ट यू कुड हैव एड्रेस्ड, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि प्रशासन अब लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है? सही बात है। हाँ, लड़कियों पर क्या मतलब है? अचानक से कहा जा रहा है हॉस्टल खाली कर, हॉस्टल खोलो, हॉस्टल खाली करो, हॉस्टल खाली। बड़े दुख और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ बच्चे अपनी जिंदगी को बनाने के लिए आ रहे हैं, उनसे ये कहा जा रहा है कि हॉस्टल खाली कर दो। संतोष ओझा के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, बनारस, उत्तर प्रदेश। BHU के महिला महाविद्यालय से जुड़ा हुआ छात्रावास कल लड़कियों से खाली करा लिया गया है। कल 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था कि इस छात्रावास को आप लोग खाली कर दें। इसके आसपास का जो पूरा इलाका है उसको छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ आपको पुलिस और PAC के लोग दिखाई पड़ेंगे। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पुलिस ने इस पूरे छात्रावास को घेर रखा हुआ है। और आपको ये भी बताते चले कि पिछले दिनों जो छिटपुट घटनाएं हुई थी, जो पेट्रोल पंप आदि चला था, छात्रावास के पास में चला था। आप देखिए, ये सारा का सारा जो पूरा एरिया है वो PAC और पुलिस के जवानों से पटा हुआ है। फिलहाल लड़कियां तो यहां पर नहीं है, लेकिन बहुत सारे दूसरे छात्र हैं जिनको अल्टीमेटम दिया जा चुका है कि वो भी अपने अपने घरों को चले जाएं। जहां पर 3 दिन पहले छुट्टी दे दी गई है प्रशासन की तरफ से, 3 दिन बाद छुट्टी होनी थी, और उसके पीछे कारण यही बताया जा रहा है कि इसकी वजह से जो भी दिक्कतें होनी थी उसको रोका जा सकेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी लड़की के साथ छेड़खानी हुई, उसका मोलेस्टेशन हुआ, जब उसने मामला दर्ज कराने की कोशिश की, तो फौरी तौर पे मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कल जिस तरीके से VC महोदय सफाई दे रहे थे PMO कार्यालय के हस्तक्षेप करने के बाद, अगर ये सफाई उन्होंने पहले दे दी होती तो शायद इतना बड़ा बवाल नहीं होता। उन छात्राओं की बड़ी छोटी छोटी मांगे थी जिसको पूरा किया जा सकता था और इस बवाल से बचा जा सकता था। गौरव के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, बनारस, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी पिछले 5 दिनों से उबल रहा है। आपको सबसे पहले BHU में बवाल की बड़ी बातें समझा देते हैं। बवाल के बाद BHU 2 अक्टूबर तक बंद है। पुलिस लाठीचार्ज पर छात्राओं के बवाल के बाद BHU को 2 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। छात्राएं आज भी प्रदर्शन की तैयारी में हैं। वहीं 5 दिन बाद मुख्यमंत्री योगी एक्शन में आए। लंका के थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया है, जबकि भेलू के CEO को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने वाराणसी के कमिश्नर और ADG से पूरे मामले पर सुबह 11 बजे तक रिपोर्ट मांगी है। यह पूरा हंगामा BHU की छात्रा से छेड़खानी के बाद शुरू हुआ। हालांकि VC का दावा है कि हंगामा करने वाले छात्र BHU के नहीं, बाहरी हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह नौबत आखिर आने ही क्यों दी गई? बवाल बढ़ने का आखिर इंतजार क्यों किया गया? क्योंकि यह बहुत बड़े सवाल है। आधी रात को लाठीचार्ज क्यों किया गया? इंडिया न्यूज बड़े सवाल उठा रहा है। बिना महिला पुलिस के छात्राओं पर कार्रवाई क्यों की गई? समय रहते वाइस चांसलर ने छात्राओं से बात करने की कोशिश आखिर क्यों नहीं की? अगर प्रदर्शन करने वाले छात्र बाहरी थे तो कैंपस के अंदर आखिर वो कैसे घुस गए? इन बड़े सवालों का जवाब इंडिया न्यूज मांग रहा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी जिला प्रशासन का इतना ढीला रवैया आखिर कैसे देखने को मिला? हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी BHU से जुड़ रहे हैं। अरविंद, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इस समय का ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि जो पूरा इलाका है उसको छावनी में बदल दिया गया है। शोभना, इस समय का हम आपको ताजा अपडेट बता दें कि इस समय जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है BHU के लिए, जिसमें ये कहा गया है कि पूरे इलाके में जो है वो CCTV कैमरे लगाए जाएं। उसके अलावा एक कमेटी बनाई जाए जिसमें 2 छात्राएं शामिल हों और वो कमेटी हर 15 दिन पर BC को रिपोर्ट करे।
और इससे जुड़े हुए सुरक्षा के जो भी मानक तय किए जाए उसको हर हाल में माना जाए, उसका पालन किया जाए। लेकिन शोभना, इसके पीछे के कारण तो आपको जानना चाहिए कि जिस तरीके से पिछले 5 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि दुनिया भर में जाना जाता है, आखिर उसमें गड़बड़ियां क्यों हो रही है, कौन है उसके लिए जिम्मेदार, इसके पीछे की मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए, उनके रूट को डाइवर्ट कर दिया गया, लेकिन वीसी महोदय जो छात्राएं धरना दे रही थी, जिनके साथ रात को मोलेस्टेशन हुआ, जिनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, उनसे वीसी महोदय ने ये कहा कि हमें सुरक्षा कारणों से हम आपसे नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते, मुझे जान का खतरा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत ही इनसेंसिटिव रही पुलिस और प्रशासन यूनिवर्सिटी का, तभी हालात इस तरह से बिगड़े। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाइए।